इस वक्त खबर आ रही है जनपद सहारनपुर के गंगो से। कुछ दिन पूर्व गंगो में हुए अग्निकांड के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों का बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ गंगो कोतवाली पर जोरदार प्रदर्शन। इस दौरान जमकर हंगामा और नारेबाजी की गई। हंगामा बढ़ता देख एक बार तो कोतवाली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता व पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बताते चले बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आरोपियों से मिली भगत करने और इंसाफ मांगने पर लाठीचार्ज के आरोप लगाए। नवनियुक्त गंगो सीओ चंद्रपाल शर्मा कोतवाल परविंदर पाल सिंह काफी पुलिस बल के साथ प्रदर्शनकारियों को समझाने के प्रयास करते रहे, लेकिन उसके बाद एसपी देहात अतुल शर्मा भी मौके पर पहुंच गए और उन्हें भी प्रदर्शनकारियों को समझाया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज करने वाले दरोगा को हटवाने की मांग को लेकर थाना प्रांगण नहीं धरना प्रारंभ कर दिया था। देर शाम तक धरना जारी रहा। आप देख रहे हैं एसटीएल यूपी लाइव यानी सहारा टीवी लाइव। ना यहाँ थाने का कोई लेना देना इससे। अब उसके बाद जो भी होगा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हायरार्की एक बनी हुई है। यहाँ से अगर सीओ से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप एडिशनल एसपी के पास आइए। अगर मेरे पास आने के बाद, अब मेरे पास तो कभी आगे मिले नहीं है उस विवेचना के संबंध में, सीधे आगे धरना प्रदर्शन दिया है। आपको एक हायरार्की में चलना चाहिए एडिशनल एसपी से।